YouTube का एडवांस फीचर्स जो है रहता है वो एलिजिबिलिटी का ऑप्शन जो रहता है वो अगर आप इनेबल करना चाहते हैं सो आप नहीं कर पाते हैं। वहाँ पे आपका जो कैमरा ओपन करने का रहता है वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए, सो कैमरा आपको वहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। ओके, यानी इस तरह से आपको वहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। सो इस प्रॉब्लम को कैसे फिक्स कर सकते हैं मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को वॉच कर लेते हैं तो आप आसानी से इस चीज को फिक्स कर सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ पे वीडियो वेरिफिकेशन करने के लिए जाते हैं और वहाँ पे कैमरा आइकन आपको शो अप नहीं हो रहा है, जिसके बाद जो है आप वेरिफिकेशन ही नहीं कर पाते हैं, सो इसको कैसे आपको करना होगा उस चीज को यहाँ पे सीखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है आपको। जैसे कि YT स्टूडियो पे चला जाते हैं YouTube का और वहाँ पे जो है एडवांस फीचर्स को इनेबल करने के लिए वहाँ पे जैसे ही क्लिक कर लेते हैं, सो वीडियो वेरिफिकेशन पे आप जैसे ही क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपके सामने इस तरह से शो ऑफ हो जाते हैं, मेल एक आ जाते हैं। ओके, मेल आपके सामने आ जाता है और मेल को जैसे आप ओपन करते हैं तो इस तरह से आपको यहाँ पे जो है शो ऑफ हो रहा है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्टार्ट वेरिफिकेशन एक मेल आएगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे स्टार्ट वेरिफिकेशन करके ऑप्शन आपको गाइस देखने को मिलेगा। अब जैसे ही उस पर स्टार्ट वेरिफिकेशन पे आप क्लिक कर लेते हैं उसके बाद आपको जो है कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, जैसे कि है एग्री टू वीडियो वेरिफिकेशन, इस तरह से आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा होगा। ओके, सो इस चीज को आपको कैसे करना है, सो इस चीज को क्या करना है आपको स्लाइड करते हुए नीचे को आना है। नीचे को आपको इस तरह से देखने को मिलेगा, एक जो है बॉक्स आपको इस तरह से टिक जो है लगाने का मिलेगा, सो उस पर आपको टिक करना है। उसके नीचे को देखने को मिलेगा आई एग्री का ऑप्शन, बस उस पर आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप उस पर क्लिक कर लेते हैं उसके बाद गाइस इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट वाला ऑप्शन आ रहा है नीचे की ओर, बस नेक्स्ट वाला बटन पे आपको क्लिक कर लेना होता है। जैसे आप उस पर क्लिक कर लेते हैं बस आपके सामने ये ऑप्शन जो है देखने को मिल रहा है, जो बहुत ही जो है परेशानी आप शायद हो भी रहे हैं, कैमरा एक्सेस नीडेड या फिर कैमरा एक्सेस नॉट नीडेड। ओके, इस तरह करके अगर आपके यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है सो इस फीचर्स को भी आप ठीक कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होगा वो चीज मैं आपको बता रहा हूँ। सो क्या करना है, जो क्रोम ब्राउजर पे आप जहाँ पे ओपन किए हैं इस मेल को ऊपर की ओर थ्री डॉट जो है देखने को मिलेगा, बस उस पर क्लिक कर लेना है। जैसे उस पर क्लिक करोगे इस तरह से आपको जो है देखने को मिल जाएगा, नीचे की ओर स्लाइड करोगे साइड सेटिंग, साइड सेटिंग जो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बस उसी साइड सेटिंग पे आपको आना है, क्लिक कर लेना है। ओके, जैसे आप क्लिक करोगे इसके बाद गाइस आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, देख सकते हैं कुछ इस टाइप का, यानी कैमरा आइकन जो है वहां पे आपको देखने को मिलेगा ऑफ किया हुआ, लेकिन आपको वहां पे टच करके आपको इस तरह से ऑन कर देना है। जैसे आप उस पर टच करोगे ऑन करोगे, अब गाइस यहाँ पे बैक आओगे तो वहां पे आपको कैमरा वाला आइकन जो है देखने को मिल जाएगा। एक बार आपको रिफ्रेश कर लेना है पेज को। ये सेटिंग को ऑन करके आप कर सकते हैं, यानी यहाँ पे क्या रहता है कि कैमरा जो रहता है वो इनेबल किया हुआ नहीं रहता है, इसलिए आपको यहाँ पे ये शो ऑफ हो रहा है। अगर कुछ लोगों के साथ ऐसा भी हो रहा है कि यहाँ पे आ रहा है और कैमरा आइकन जो है उसके यहाँ पे इस पे जो है इनेबल किया हुआ है, फिर भी अगर आप शो ऑफ नहीं हो रहा है तो इस हाल में वो क्या कर सकता है, इस हाल में यही करना होगा आपको। YT जो यहाँ पे जाना है प्ले स्टोर पे आने के बाद जो है क्रोम ब्राउजर को एक बार अपडेट करके देखना है, एंड फिर भी अगर नहीं हो रहा है तो क्या करना है, क्रोम ब्राउजर का जो बीटा वर्जन जो आपको देखने को मिलेगा उस चीज को आपको इंस्टॉल कर लेना है, वहां पे लॉगिन कर लेना है और ये फीचर्स जैसे वहां पे इनेबल करने का कोशिश करोगे सो वहां पे कैमरा और फेस आइकन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आसानी से आप जो है अपने फेस को वहां पे डिटेक्ट करके वहां पे जो है लाके सामने वेरिफिकेशन कर सकते हैं। सो गाइस इस तरीके से आप जो है इस कैमरा वाला आइकन का जो प्रॉब्लम आ रहा था, यानी वीडियो वेरिफिकेशन कर रहे थे फीचर्स एलिजिबिलिटी ऑप्शन को इनेबल करने के लिए नहीं हो रहा था, सो ये जो है चीज को फॉलो कीजिए, आप आसानी से गाइस इस चीज को सॉल्व कर सकते हैं। सो गाइस आई होप कि आपका प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। सो इसी तरह टिप्स एंड ट्रिक के लिए, इसी तरह हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी चीज सीखना हो या कुछ और भी प्रॉब्लम आ रहा है बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में नेक्स्ट किसी वीडियो के साथ।